नासिर साहब अबू जहबी से पूछते हैं, क्या लूडो खेलना जायज़ है? क्योंकि मैंने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के गेम्स खेलने से मना फरमाया है। लूडो खेलना, पहले उसूल समझ लें कि कौन से खेल जायज़ हैं कौन से नाजायज़ हैं। खेल जो खेला जाता है उसका बुनियादी मकसद है ज़हनी तफरी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस है, अला कुल्लु लहविन बातिलुन, हर खेल बातिल है, यानी नाजायज़ है, बातिल है का मतलब यही है, इल्ला सलास, मगर तीन खेल। उन तीन खेलों में आपने फरमाया जौजा के साथ दिल लगी करना, घुड़सवारी और तीरंदाजी। तो ये जो तीन में हसर है, मकसद तीन नहीं है, मतलब ये कि जो इस नौयत के खेल होंगे जिससे फ़ायदा है, जिससे मुआशरे में सुधार पैदा होता है, या आपको ज़हनी तफरी मिलती है, या वो जिहाद में मैदान जंग में काम आती हैं वो चीज़ें, तो कोई भी मुफीद खेल होगा तो हम उसको कहेंगे कि जायज़ है, और जो खेल मुफीद नहीं है उसके फ़ायदे के बजाय नुकसान है तो वो खेल नाजायज़ है। अब इसी पर तमाम खेलों को परख लेना चाहिए। मैंने बताया कि खेल का मकसद होता है कि अहम कामों से इंसान थकता है तो ऐसी तफरी के काम करता है जिससे जहन को ताजगी मिले। तो ऐसे खेल जिसमें जहन को ताजगी मिलने के बजाय जहन थक रहा हो उसमें आपका, जैसे शतरंज है, उसमें आपका दिमाग थक जाता है, यानी शतरंज खेलने के बाद आप किसी और काम के काबिल, आपका दिमाग कम अज़ कम कई घंटों तक नहीं रहता क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें दिमाग इस्तेमाल होता है। तो दिमाग का तो काम ये था कि उसे यानी तफरी पहुँचा के फिर आप मुफीद कामों में दिमाग जैसी अहम नेमत को आप खर्च करें। आपने दिमाग जैसी अहम नेमत ही एक ऐसे खेल में खर्च कर दी जिसमें आपका दिमाग थक चुका है और वो अब अहम कामों के काबिल नहीं रहा, तो वो खेल के मकसद ही के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए ऐसा खेल खेलने की शरीयत में गुंजाइश नहीं है। इसी वजह से बाज़ सहाबा इकराम से शतरंज की हुरमत मनकूल है, जो शतरंज की आदम जवाज़ मनकूल है। अलबत्ता उन लोगों के लिए शतरंज खेलने को जायज़ करार दिया गया है जिनको मैदान जंग में लड़ना हो और उनको जंगी तदबीरों में महारत पैदा करनी हो। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला से शतरंज का जवाज़ उन्हीं लोगों के लिए मनकूल है कि जो जंगी ट्रेनिंग के लिए शतरंज खेलना चाहते हों, कि यानी ताकि हम शतरंज की जो चालें होती हैं उसमें आपका दिमाग जो है वो थकता तो है लेकिन साथ साथ आपको जो है वो दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए क्या क्या चालें इस्तेमाल होनी चाहिए, इन चालों का भी कुछ तजर्बा पैदा होता है आपको। तो जिसको अमली तौर पर प्रैक्टिकली वाकई फ़ायदा हो रहा है उसके लिए तो जायज़ होगा, जिसको फ़ायदा नहीं हो रहा, जैसे कि आम तौर पर लोगों को फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है, बहुत टाइम उसमें खपाया जाता है, बहुत सारे मुफीद काम आप उसमें कर सकते थे जो आप उस खेल में ज़ाया कर देते हैं और दिमाग को खपा देते हैं, तो शतरंज या उससे मिलते जुलते खेल जिसमें दिमाग थकता है वो नाजायज़ हैं। इसके अलावा जो खेल हैं जिनसे जहनी तफरी होती है, जैसे लूडो खेलना जो है, इसमें कोई दिमाग नहीं थकता, इसमें तो वो छक्का आ गया तो पार हो गए, कभी उसने पीट दी आपकी गोटी, कभी आपने उसकी गोटी पीट दी, तो इसमें ये फ़ी नफसी ही ये मुबाह है, यानी जायज़ खेल है। और अगर इसके पीछे अच्छे मकासद हैं तो मुस्तहब भी होगा, यानी कोई मकसद आपका ये है कि मेरा दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा तो मैं फिर मुफीद कामों में अपने दिमाग को लगाऊँगा, तो इस नीयत से अगर आप खेलते हैं तो उम्मीद है कि कुछ सवाब भी मिल जाए अल्लाह की तरफ से। या घर में अपने बच्चों के साथ आप लूडो खेल लेते हैं ताकि थोड़ा सा घर में एक मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे इन चीज़ों से। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब देखते हैं कि वो घर के सरबरा को हमारे साथ वो खेल कूद में शरीक हैं। तो अगर इस नीयत से कोई खेले तो भी ठीक है, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि सवाब मिलेगा। तो ऐसे तमाम खेल, कैरम बोर्ड है, लूडो है, ये वो तमाम खेल हैं जो जिनकी गुंजाइश है खेलने की। लेकिन जो आजकल वीडियो गेम आ रहे हैं इसमें बच्चों की नज़र भी ख़राब होती है, टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये वीडियो गेम हराम है, लेकिन बहरहाल ये कराहत से खाली नहीं है, मकरूह है, नापसंदीदा है, क्योंकि इनमें टाइम वेस्टिंग है, वक्त का बहुत ज़्यादा ज़िया है, आँखें ख़राब होती हैं बच्चों को, ये जो रीढ़ की हड्डी है आपके जो इसके जो मोहरे हैं इनमें फ़र्क पैदा हो जाता है, जो बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं ना गर्दन नीचे करके, उनके जॉइंट में मसला हो जाता है। तो इन खेलों को बहरहाल मकरूह करार दिया जाएगा और नापसंदीदा करार दिया जाएगा, इनकी हौसला शिकनी की जाएगी, जैसे कि पहले वालदैन अपने बच्चों को वीडियो गेम नहीं खेलने देते थे, मना करते थे उनको, आज तो बिल्कुल वो माँ बाप खेल रहे होते हैं, वो बच्चों को क्या रोकेंगे, क्योंकि वक्त की कदर ही ख़त्म हो गई है। अलवक्तु अनफसु मा अनी तबिहिफ़्ज़िही व अराहु असहल मा अलैक यज़ीउ, शायर ने कहा कि वक्त सबसे वो कीमती चीज़ है जो जिसको तू ज़ाया करते हैं,
الوقت انفس ما عليك يضيع، سب سے قیمتی ترین چیز اللہ نے جو انسان کو دی ہے وہ وقت دی ہے، جو ایک دفعہ جانے کے بعد کبھی بھی واپس نہیں آتا. یہ ایسا ظالم ہے کہ جب چھنتا ہے نا کچھ بھی ہو جائے یہ واپس نہیں ملنے کا آپ کو. وأراه اسهل ما عليك يضيع، الوقت انفس ما عنيت بحفظه، جتنی چیزوں کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے جس کی آپ کو حفاظت کرنی چاہیے. لیکن شاعر اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہے کہ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سستی چیز تو نے وقت کو سمجھ لیا ہے اور اس کو ضائع کرنا ہے تیری نظر میں سب سے آسان کام ہو گیا ہے. تو یہ اس طرح کے جو گیمز ہیں، ویڈیو گیم جو کمپیوٹر پہ کھیلے جا رہے ہیں، ان میں تو بہت وقت ضائع ہوتا ہے، بہت وقت برباد ہوتا ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، ذہنی تفریح بھی نہیں ملتی ان سے. تو اس لیے ایسے کھیلوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور میں نے بتایا کہ شطرنج تو بالکل ہی ناجائز ہے. تو ہاں، یہ لوڈو وغیرہ میں ذہنی تفریح ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، بچوں کے ساتھ اگر آپ کھیل لیں، دوست صاحب آپ کی کوئی محفل لگ جائے وقتی طور پر، تو ذہنی تفریح کا سبب بن جاتی ہیں یہ چیزیں، اور اس میں بہت زیادہ انہماک بھی نہیں ہوتا. تو یہ کھیل کھیلنے کی اسلام میں گنجائش ہے. باقی ویڈیو گیم کا بائیکاٹ کریں، بچوں کو روکیں اس سے. اور دوسرے جو کھیل تاش ہے یہ کھیلنا جائز نہیں ہے. جوا لگا کے کھیلنا وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ جائز کام بھی ہو لیکن جوے کی صورت میں وہ حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا. تو یہ کھیل کے بارے میں. اسی طرح وہ کھیل جس میں جسمانی تفریح ہوتی ہے، یعنی جسم آپ کا تھکتا ہے اور اس بیس پہ ذہنی تفریح ہوتی ہے، وہ تو بہت ہی مفید کھیل ہیں. گھڑ سواری کا نبی نے ذکر کیا، تیراکی ہے، اسی طرح فٹ بال ہے یا والی بال ہے، یہ کھیل تو کھیلنا چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ شاید فرض کے درجے میں ہوں، کیونکہ آج کل جسمانی ایکٹیویٹی بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ ان کھیلوں میں دلچسپی نہیں لیں گے تو جسم بالکل بیکار اور معطل ہو جاتا ہے. تو والی بال ہو گیا اور فٹ بال ہے یا کرکٹ بھی کسی درجے میں ہے، اگر اس میں بہت زیادہ انہماک نہ ہو، لیکن اس میں جسمانی ورزش زیادہ نہیں ہوتی. تو ایسے کھیلوں کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. خود بھی ایسے کھیلوں میں، ٹینس ہے، حکیم محمد سعید صاحب کا اکثر میں سناتا ہوں، آخر عمر میں کہ 68 سال یا 78 سال ان کی عمر تھی اور اس میں بھی وہ روزانہ 2 گھنٹے ٹینس کھیلا کرتے تھے. یہ ان کی جسمانی فٹنس کا راز تھا، اتنے زیادہ کھیل کھیل کے وہ الحمدللہ اپنے آپ کو فٹ رکھتے تھے اور کوئی بیماری نہیں تھی ان کو. تو اس طرح کے کھیلوں میں دلچسپی لینی چاہیے جس میں آپ کی باڈی تھکے، سانس پھولے، آپ کا پسینہ نکلے. اس سے جسم، یعنی اس سے دماغ کو راحت ملتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں. ایسے کھیلوں کو پروموٹ کرنا چاہیے.